Chandra Pushkarani originated Shivalinga having an heart moon's mark in his forehead. It is temple name Chandra Mauleshwara. Inside you have to see. रात को हमारा सेटअप यहाँ होगा डिनर का. मैंने उनको बोल दिया है ये सब हमारे लिए सेटअप हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, सबसे सही चीज मेरे को ये लगी यार, ये ब्लू व्हेल का स्कल है भाई साहब. कल की आइस डाली हुई है, कल मॉर्निंग में डाली थी, स्टिल इट इज चिल्ड. नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. और आज है 28 और पीछे है हमारा कॉटेज. और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है और राइट हैंड साइड क्या है. बहुत ही खूबसूरत सी जगह है. लेफ्ट हैंड साइड सी, राइट हैंड साइड बहुत ही ब्यूटीफुल सी रिवर. चलो आपको दोनों चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन पहले चलेंगे राइट साइड रिवर देखने के लिए. चलो, यह है कॉटेज हमारा. अब यहाँ आ जाइए. यहाँ पे आप टेंट वगैरह भी लगा सकते हो. नो डॉगी गो बैक. ये है जी ब्यूटीफुल सी सोपर्णिका रिवर. और चलिए अब चलते हैं समुद्र की तरफ. ठीक है, वो देखो सामने बीच. लेकिन उससे पहले हम, अबे खुल गया, पहले इसको चेक करेंगे. हमारा चिल बॉक्स, आइस चिल बॉक्स, कुछ आइस बचा है. वाओ फोक्स, कल की आइस डाली हुई है, कल मॉर्निंग में डाली थी, स्टिल इट इज चिल्ड. तो यार रिव्यू तो इसका अच्छा है, गुड रिव्यू पिनेकल. चलो बिफोर दैट विल टेक दीज चेयर्स, थोड़ी देर बीच पे बैठेंगे. ओके चलो जी, ये चेयर्स को उठा कर लेके जाएंगे और we'll sit on the beach. सबसे सही चीज मेरे को ये लगी यार, ये ब्लू व्हेल का स्कल है भाई साहब, रियल स्कल, ओरिजिनल स्कल. हमारे बीवी बच्चे तो वहीं हैं. चलो चलते हैं थोड़ी देर उनके पास. अरे बच्चे नहा रहे हैं. तेरा मोबाइल रख के आया, तेरा मोबाइल वहां रख दूं.
तो गाइस अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सा माहौल है यहाँ पे बीच पे, ज़्यादा क्राउड नहीं है। आई थिंक इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है हमें, कोई क्राउड बिल्कुल नहीं है। बस हमारा जो रिजॉर्ट है वहाँ पे सिर्फ 4 कॉटेजेस हैं, बहुत मुश्किल से मिले हैं वो, और 4 कॉटेजेस बुक थे। और बस वही जो लोग वहाँ स्टे कर रहे हैं वही यहाँ पे आए हैं बस, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, बस ये 3-4 बस 2 फैमिलीज और हैं और हम हैं। ये देखो बैक साइड पे, तो इट्स फन टाइम ऑन द बीच, लेट्स एंजॉय फॉर सम टाइम। बेचारा मर तो नहीं गया, जिंदा है। भाई निकलो, चलो उड़ो निकलो। ये सीशेल इज अलाइव फोक्स, ये जिंदा है सीशेल, देखो। इसको पानी के हवाले कर दें, यहाँ बहुत सारे हैं सीशेल्स हैं। ये आप जितने भी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो मतलब होल्स किए हुए हैं, ये सब होल्स क्रैप्स ने किए हैं, अभी भी क्रैप्स इनके अंदर हैं। कोई अगर दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो किस तरह से क्रैप्स ने पूरी मिट्टी निकाली हुई है। ये भागा 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 भागा, ये दिख भी नहीं रहे भाई। ये देख, ओ देख 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 देख, देखा कितने तेज जा रहे हैं, ये बच्चे हैं। तो गाइस धूप निकल आई है और अब बीच पे थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस विज़िट कर लें। पहले हम जाएंगे श्री कृष्णा मठ, और काले होने का बहुत चांस है यार, यहाँ पे फुल टैनिंग हो जाएगी। नहा के हम हो गए हैं रेडी, अभी टाइम हो रहा है 9:30, ब्रेकफास्ट आ गया है हमारा, और ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट हमने मंगवाया था हमारा ध्यान से, देखते हैं क्या क्या आया है अभी। तो जो हमें ब्रेकफास्ट में आया है वो है इडली, ये तो चलो है ही, दिस इज़ समथिंग न्यू, पोहा टाइप, ये हमारे वहाँ चिवड़े बोलते हैं इसको, जान सकाना गिरा दिया इसने, ठीक है चिवड़े हैं ये, और ये इसमें थोड़ा चीनी भी है, ये खा के देखेंगे कैसा है, ये थोड़ा सा ऑथेंटिक लग रहा है, पहले कभी खाया नहीं है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण मठ, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राचीन, ऑलमोस्ट 13th century का यहाँ पे श्री कृष्ण जी का टेंपल है, बहुत ही खूबसूरत टेंपल है, तो अभी आपको हम वो दिखाते हैं। तो भाई लोगों, बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे, तो हम भी लाइन में खड़े हो गए, तो 45-50 minutes तक हम लाइन में खड़े रहे हैं, उसके बाद हमें जाके श्री कृष्णा जी के दर्शन हुए हैं। तो दोस्तों, जब तक हम लाइन में लगे हैं तब तक आपको हम इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं कि ये जो कृष्ण मठ को 13वीं सदी में वैष्णव संत श्री
माधवाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। और यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि एक एक बार अत्यंत धर्मनिष्ठ एवं भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित भक्त कनकदास जी नाम था उनका, वो मंदिर में प्रवेश करना चाहते थे लेकिन उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया गया। तो इस बात से वो परेशान बिल्कुल भी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने और अधिक तमन्ना से उनकी श्री कृष्ण जी की प्रार्थना करी। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनसे काफ़ी प्रसन्न हुए, तो वे उन्होंने अपने उस भक्त को अपना स्वर्गीय रूप दिखाने के लिए मठ यानी कि मंदिर के पीछे एक छोटी सी खिड़की बना दी। खैर वो हमने वो खिड़की देखी, लेकिन मंदिर के अंदर जो था वो कैमरा अलाउड नहीं था, ये आप देख सकते हैं। आज तक भक्त उसी खिड़की के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी की अर्चना करते हैं, जिसके द्वारा कनकदास को एक छवि देखने का वरदान मिला था। और मेल्स को पुरुषों को यहाँ पे कमर से ऊपर पहनना कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये है एग्ज़िट, ठीक है, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे। एंट्री तो आपने देख ली थी, कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी एंट्री के लिए। तो दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। बट अंदर जाने से पहले जैसे कि आपने देखा है, कपड़े पूरे उतारने पड़ते हैं आपको। आप टी शर्ट और बनियान डाल के नहीं अंदर जा सकते, वो आपको उतारना पड़ता है, फिर ही आप अंदर जाना सकते हैं। हमारा फिर ही आपको अंदर जाना पड़ता है। अंदर काफ़ी कुछ है देखने के लिए, जैसे कि वृंदावन हो गया, उसके बाद आप श्री कृष्ण जी की बहुत ही पुरानी एंटीक स्टैचू मूर्तियां हैं, वो है देखने के लिए। अभी हम मठ रथ देखने जा रहे हैं। दिस टेम्पल नेम इट इज चंद्रमौलीश्वरा, बिकॉज वन हाफ मून मार्क इज देयर इन इट्स फॉरहेड एंड दैट इज व्हाई इट इज स्टेटेड चंद्रमौलीश्वरा। And because of this temple, this town is named as Udupi. Udu means in Sanskrit stars. Udupa means stars owner, treated as moon. Taradipati, this moon. This moon had one shapam with Daksha Brahma. That moon's shapa vimochana place through Shiva. Udupa or moon's shapa vimochana place later became Udupi. And thereafter Shapa Vimochana, Swayambhu Shivalinga, originated in water source named as Chandra Pushkarani. Chandra Pushkarani originated Shivalinga, having one half moon's mark in his forehead. It is temple name Chandra Mauleshwara. Okay, so everyone has to visit here first. Huh? Everyone pilgrimage has to visit and here visit first. Entering to Udupi, you have to take darshan here first. And second temple, another Ananteshwara. Other side. Okay. चंद्रमौलेश्वरा टेम्पल, इनका जो है उनसे बात करी है हमने, तो उन्होंने हमें यहाँ की स्टोरी बताई है कि सबसे पहले यहाँ विजिट करना होता है, यहाँ पे खुद ओरिजिनेट हुआ है। और हमें ये बताया जा रहा है कि इस मंदिर के दर्शन तभी पूरे होंगे जब आप इस पत्थर की पूरी परिक्रमा लेके यहाँ से एग्जिट हो जाओगे, तभी इस मंदिर के दर्शन कंप्लीट होंगे। थैंक यू। तो वही हमने किया, चलो लेट्स गो। No joint created from a single stone. और नेक्स्ट ये जो आप देख रहे हैं ये है जी उडुपी का अनंतेश्वरा टेम्पल, जो कि भगवान परशुराम जी को समर्पित किया गया है। और यहाँ पे भगवान परशुराम जी लिंगा के फॉर्म में, लिंगा की शेप में पूजे जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, वर्ल्ड फर्स्ट एवर नवरत्न रथा। Wow.
ओके तो यहाँ पे किसी भी मंदिर में आई मीन कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए हमने अनंतेश्वरा टेंपल के दर्शन भी किए। उसके अंदर जो बहुत ही खूबसूरत सा शिवलिंग था, चेहरे का आकार बना हुआ था, बहुत ही खूबसूरत सा बनाया गया था, और वहाँ पे बहुत ही दूर से आपको दर्शन करने पड़ते थे, तो बहुत ही खूबसूरत था वो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। ये है लोकल मार्केट हमारा, लेट्स गो, वी हैव टेकन। तो चलिए इसी के साथ ही हम अपने ये वाले वीडियो को भी एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है सेंट मैरीज आइलैंड। देखते रहिए। आपने वो लिया ना बेटा।